IPL 2020 का सीजन अब बस कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है और दोस्तों IPL 2020 की शुरुआत से पहले ही अभी से फैंस के मन में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होने लग गई है कि आखिर कौन सी होने वाली है वह टीम जो IPL 2020 में हमको चैंपियन बनती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों अगर इस लिस्ट में हम सबसे पहले चौथी टीम के बारे में बात करें वो टीम हो सकती है दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की टीम। दोस्तों हैदराबाद की टीम साल 2016 में RCB को हराकर पहली बार चैंपियन बन रही थी। हालांकि दोस्तों पहले इस टीम का नाम डेक्कन चार्जर्स हुआ करता था, वो भी एक बार चैंपियन थी। परंतु दोस्तों अगर यहां पर इनके चैंपियन बनने की सबसे बड़ी वजह देखें वो दोस्तों ये है कि जो इनका टीम का स्क्वाड है वो दोस्तों हर साल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहता है। चाहे हम इनकी बैटिंग देख लीजिए, बॉलिंग देख लीजिए, ऑलराउंडर्स देख लीजिए, किसी भी साल में दोस्तों किसी भी लाइनअप में इस टीम के ऊपर कभी सवाल नहीं उठता है। साल 2017, 16, 18, 19 हर साल यह टीम क्वालिफाई कर जाती है। 17 में तो दोस्तों ये टीम क्वालिफाई से बाहर हो गई थी, खैर क्वालिफाई करने के बाद 18 में दोस्तों फाइनल तक पहुंची थी। 19 में तो ये 12 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर गई थी। 2020 में भी दोस्तों इनके पास काफ़ी तगड़ा स्क्वाड मौजूद है और ये टीम भी दोस्तों चौथी कंटेंडर हो सकती है IPL के चैंपियन बनने में। तो दोस्तों अगर इस लिस्ट में हम तीसरी टीम के बारे में बात करें वो टीम होने वाली है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का दोस्तों जो हर साल सबसे बड़ा वजह रहता है इनकी सफलता का वो दोस्तों इनके खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। दोस्तों MS धोनी पता नहीं हर साल चेन्नई की टीम में क्या जादू करते हैं कि ये टीम ऊपर पॉइंट्स टेबल तक हमको दिख जाती है। फाइनल सेमीफाइनल में दोस्तों ये टीम बड़ी आराम से पहुंच जाती है। दोस्तों खैर अब तो IPL का नाम ही कुछ ऐसा हो गया है कि इसको छह टीम होती है जो चेन्नई से फाइनल में लड़ने के लिए भिड़ती है। दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि चेन्नई के पास जिस तरह का स्क्वाड मौजूद है IPL 2020 में उनका प्रदर्शन हमको किस तरह का देखने को मिलने वाला है। परंतु दोस्तों IPL 2020 में भी चेन्नई के विजेता होने के काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर इस लिस्ट में हम दूसरी टीम के बारे में बात करें वो टीम होने वाली है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। दोस्तों IPL 2020 के सीजन में जो RCB की टीम को जो बात सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है दोस्तों इनके इंडियन प्लेयर्स। दोस्तों इनके काफी ज्यादा इंडियन प्लेयर्स अब हमको भारतीय टीम के लिए खेलते हुए भी दिख रहे हैं। दोस्तों जो बात कभी 2011-12 में चेन्नई की टीम में हुआ करती थी जिनके दोस्तों धोनी, अश्विन, जडेजा, मोहित ये इतने सारे प्लेयर दोस्तों जो इंडिया में खेलते थे, अब दोस्तों वैसी बात हमको RCB में लग रही है। वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, विराट कोहली, दोस्तों इतने सारे प्लेयर्स अब इंडिया के लिए रेगुलरली खेल रहे हैं और RCB की टीम भी दोस्तों हमको पहली बार IPL 2020 में शायद कुछ चमत्कार करता हुआ भी दिख सकती है। तो दोस्तों अगर इस लिस्ट में हम सबसे पहली टीम के बारे में बात करें वो टीम होने वाली है दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम तो IPL के इतिहास की सबसे सफल टीम है। दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास इस साल, यानी कि वैसे इनके पास हर साल ही होता है, जो इस साल जितना मजबूत स्क्वाड मौजूद है उतना तो दोस्तों इनके स्क्वाड को देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि ये टीम चैंपियन बन नहीं सकती। खैर दोस्तों हम वो कोई आर्थमेटिक प्रोजेक्शंस वाली बात नहीं करेंगे कि मुंबई का लक 2013-15-17-19 इस हिसाब से चलता है। खैर दोस्तों क्रिकेट सारी की सारी स्टैट्स पर मौजूद होती है। दोस्तों यहाँ पर मुंबई के पास जो स्क्वाड मौजूद है दोस्तों उसको एकदम देख के लगता है कि यह टीम 2020 में भी चैंपियन बन सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मुंबई टीम का प्रदर्शन IPL 2020 में कैसा रहता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम IPL 2020 के सीजन में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने तो शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।